नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। मोदी सरकार ने एक नया फैसला लिया है जो कि बहुत ही अहम है, और इस फैसले में उन्होंने 2021 तक सभी नई योजनाओं पर रोक लगा दी है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी है। इसके बावजूद सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों की हर संभव मदद के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। वहीं ताजा खबर ये है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अगले 9 महीने यानी मार्च 2021 तक किसी भी नई योजना पर रोक लगा दी है। यानी मोदी सरकार का कोई भी विभाग नई योजना लेकर नहीं आ सकेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई योजनाएं जारी रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े पैकेज का ऐलान करने के बाद अब सरकार और खर्च की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि वित्त मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। सरकार ने विभागों के लिए जारी आदेश में साफ कहा है कि कोई भी मंत्रालय नई योजना की शुरुआत न करे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चल रही योजनाओं पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 4 जून को एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें लिखा है कि देश अभी कोरोना वायरस जैसी महामारी का सामना कर रहा है। इसके मद्देनजर सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों पर अभूतपूर्व मांग है, और बदली हुई प्राथमिकताओं के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी हो गया है। इसलिए स्थायी वित्त समिति प्रस्तावों यानी 500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं सहित वित्तीय वर्ष 2020-2021 में पहले से ही स्वीकृत या अनुमोदित नई योजनाएं 1 साल तक निलंबित रहेंगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण सरकार को मिलने वाले टैक्स में भी भारी कमी आई है। सरकार ने आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई तरह की छूट भी दी है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज, किसानों को कर्ज में छूट, मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं, जिसका असर भी सरकारी खजाने पर पड़ा है। तो दोस्तों, आप अगर हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट को जानना चाहते हैं, तो तुरंत ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे, और हर अपडेट की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो जल्द मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।